दोस्तों नमस्कार। आज है 16 तारीख और आज है हम सृजन गैलरी में, जहाँ पे एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे भगवान श्री राम के ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो यहाँ सभी कलाकार जो हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ पेंटिंग करेंगे। तो बने रहे इस चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सब लोग जरा इधर देखिए। तो सब फोटो की शुरुआत हो गई है। जल्दी आ रहे हैं क्या सभी? थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। हाँ दादा, स्माइल। अरे इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। उसका जर्नी है हॉबी सेंटर देन सब्जेक्ट एंड उसका जो श्री जाता है ये पूरा ग्रुप को जाता है। बिकॉज़ एवरी टाइम मुझे पता है कि ये 20 आर्टिस्ट तो मेरे साथ है, कुछ भी कुछ करना है तो एनी टाइम वो सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट अभी एक नया जगह अभी हॉबी सेंटर का हमने डेवलप कर रहे हैं एंड वहाँ पे अभी 3000 स्क्वायर फीट का बड़ा गैलरी, मोर देन 3000 स्क्वायर फीट। तो ये वाला फिर फ्यूचर में खाली कर, ये भी हमारा ओनरशिप है बट इन फ्यूचर इसको रखने का कोई सवाल नहीं। वहाँ पे पार्किंग से लेकर सब श्री राम मंदिर, और हमारा इंटेंशन वो ऐसा नहीं पॉलिटिकल की वो रिलीजियस को डिस्टर्ब करके, बट कोई भी इंडिया के जो भी अच्छे इवेंट है कि वो जो भी अभी तक शायद 47 के बाद एक बड़ा सेलिब्रेशन जब आज़ादी मिला था, देन वर्ल्ड कप के अंदर एक पूरा देश बाहर निकला था, ऐसा सेम पूरा इंडिया अभी 22 को पूरे इंडिया बाहर निकल के पूरा जगह पे माहौल पूरा फेस्टिवल का होगा। तो हमने सोचा कि आर्टिस्टों भी इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे तो एक बड़ा फील हो सकता है। तो आइडिया एक्चुअली बहुत सडनली आया और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया और आज से भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को बेस्ट लक हमारी तरफ से। तो जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे शाम को एक पूरा एक जो चाइल्ड हेड का पूरा ग्रुप आने वाला है, उनको भी अंदर थे रामायण में। मैं अभी आज कैप्सूल एक भेजूंगा आपको। तो पारुल शाह का पूरा डायरेक्शन था ड्रामा, और वो रावण का जब सभा होता है वहाँ पे, फिर राम भगवान वो 14 का वनवास के बाद जब अयोध्या आता है वो एक अच्छा गाना है। ऐसे 3-4 गाने उन्होंने रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे परफॉर्म किया था रामानंद सागर के इसके अंदर। तो जब स्टार्ट करेंगे तो इनॉग्रल फंक्शन उनका एक डांस परफॉर्मेंस से स्टार्ट करेंगे, और 22 को शाम को 6 इसका दिया जला के पूरा गैलरी में, मैं सोच रहा हूँ तब तक पूरा दिया से ही इसको रिप्रेजेंट करें पूरा शो। फर्स्ट शो ऐसा होगा कि दिया से देख सकते हैं आप, जैसे अजेंट एलोरा में कैसे डार्क शेड्स, तो ऐसा कुछ आइडिया है। बट अभी तो एक बार आप स्टार्ट करेंगे इसके बाद बेसमेंट में पार्किंग रहेगा, कुछ पैकिंग पैकिंग जो भी है वो सभी। तो यहाँ सभी लोग कर रहे हैं तैयारी, सबको स्पेस मिल चुके हैं। तो यहाँ मैंने जो मेरा पारंपरिक तरीका है उस तरीके से काम शुरू किया, और क्योंकि मेरा कैनवास नहीं है, मेरा मिक्स मीडिया वर्क है और उसको नेट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो आप सभी से अनुरोध है 22 को एग्ज़िबिशन सृजन आर्ट गैलरी में इसका प्रारंभ होना है, उद्घाटन होना है। तो आप लोग सभी ज़रूर आएँ जो भी बड़ौदा में हैं, और जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस एग्जीबिशन कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का काम इकट्ठे देखा जा सकता है। इवन बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। कैसा लग रहा था? अनुभवों के 1 शेयर करना चाहेंगे? थोड़ा हो जाए फिर।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो कलाकार रंगों के साथ जद्दोजहद करते हुए। झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं मिनट का इंटरव्यू राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे लोगों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक इस वर्कशॉप इस जो कार्यशाला में भाग लिया, तो इससे एक पूरी जनरेशन जो रामायण के बारे में उनको पता चले वो उस तरीके से उन्होंने अपने अपने तरीके से सभी बच्चों ने पेंट किया और बहुत ही तेज़ी से बहुत ही फुर्ती से सभी लोगों ने काम किया। किसी ने कोलाब्रेशन में काम किया जिसमें दो दो बच्चे लोग एक पेंटिंग पर अपना काम कर रहे हैं, तो उससे एक अलग तरह का जो बॉन्डिंग होता है वो ज़रूर देखने को हमें मिलता है। और इसी बॉन्डिंग के साथ ये सभी चीज़ें आयोजित की गई हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ अजय जी अपने काम की शुरुआत करते हुए, और जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि इस वर्कशॉप का आयोजन सृजन आर्ट गैलरी अलकापुरी में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को शाम को 6 बजे होना है। तो आप जो भी मित्र बड़ौदा में हैं व अहमदाबाद में हैं आप लोग आके एग्जीबिशन देख सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
मित्रों, तो आज कैंप के फर्स्ट डे का काम इस तरह समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी कैंप के दूसरे दिन की शुरुआत से लेके अंत तक। तो आप लोग बने रहे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।